यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। हरियाणा के हिसार से रविवार को सिकंदराबाद के बीच ट्रेन सेवा शुरू हो गई है। ट्रेन को हिसार लोकसभा सांसद दुष्यंत चौटाला, राजस्थान के चूरू लोकसभा के सांसद राहुल कस्वा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लंबी दूरी की ट्रेन होने के कारण ये ट्रेन सप्ताह में दो बार हिसार से चलेगी। ट्रेन सादलपुर, चूरू, रतनगढ़, बीकानेर, नौखा, जोधपुर, सूरत, बड़ौदा जैसे स्टेशनों से होती हुई तेलंगाना के सिकंदराबाद जाएगी। वापसी में ये ट्रेन बृहस्पतिवार और शुक्रवार को रात 11:05 पर हिसार पहुंचेगी और इसके साथ ही आज हिसार रेलवे स्टेशन पर फ्री वाईफाई सेवा भी मिलने लगी है। पहले आधा घंटा फुल स्पीड मिलेगी और इसके बाद 2G की स्पीड मिलेगी। वाईफाई देने वाला हिसार बीकानेर मंडल और हिसार का पहला जिला बन गया है। इस दौरान सांसद दुष्यंत चौटाला ने कहा कि लंबी दूरियों की रेलगाड़ियों से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं और कुछ ही दिनों में कोयंबटूर सहित कई अन्य रेलगाड़ियां हिसार से चलनी शुरू हो जाएंगी। वॉशिंग यार्ड का निर्माण कार्य पूरा होते ही इन रेलगाड़ियों को शुरू करने का केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने आश्वासन दिया है। जिस प्रकार से आज आईटी का जमाना है, प्रथम तौर पर बधाई देता हूँ हिसार वासियों को कि वाईफाई की सुविधा स्टेशन के सभी 6 के 6 प्लेटफॉर्म पर आज उपलब्ध हुई है और हर व्यक्ति निशुल्क हाई स्पीड इंटरनेट आधे घंटे तक और फिर 2G इंटरनेट पूरा दिन स्टेशन पर यूज कर पाएगा। और मेरा ये मानना है कि जहाँ बीकानेर डिवीज़न के हरियाणा स्टेट के अंदर ये पहला अपने आप में स्टेशन हिसार बना है जिसके अंदर ये सुविधा मिली है।